लेकिन सदन की अपनी एक भूमिका होती है मित्रों, सदन एक प्रभावी मंच है किसी मुद्दे को उठाने का, लेकिन सदन के समाप्ति के साथ मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता। इसीलिए हमने कल तय किया कि आज गांधी प्रतिमा के सामने सारे एनडीए के सांसद खड़े होकर संकल्प लेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए अब चले संसद से सड़क की ओर। और इसी एक मुद्दे को लेकर आज एनडीए के सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हुए हैं। जो लड़ाई आज तक संसद के भीतर चल रही थी वो आज से संसद के बाहर आ रही है, और मुझे खुशी है कि एनडीए तो इसमें एकजुट रहा ही, लेकिन अन्य विपक्षी दल भी। ये जो दो शर्तें हमने रखी थी, एक आध दल को छोड़कर बाकी सब दल इसमें सहमत थे। अंडा डीएमके के थंबीदुरई से मेरी बात हुई, सीपीएम के वासुदेव आचार्य से बात हुई, टीडीपी के नमो नागेश्वर राव से बात हुई। इन सब लोगों ने कहा डिस्कशन बाद में, कैंसिलेशन पहले। और उन्होंने ये कहा कि जो शर्तें आपने रखी ये केवल बीजेपी की नहीं, अच्छा हुआ कि आपने वो शर्तें रखी जिस पर बृहद विपक्षी एकता थी। आज से ये लड़ाई संसद के बाहर जा रही है। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें पूरी रूपरेखा बनेगी कि नीचे गांव तक हम इस विषय को कैसे ले जाएं। उसमें बड़ी रैलियों के प्रोग्राम भी होंगे और गांव तक जाने के छोटे प्रोग्राम भी होंगे। वो प्रोग्राम बनने के बाद उसकी पूरी जानकारी आपको अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी जाएगी। लेकिन मैं आज ये कहना चाहती हूं कि बहुत बार जब संसद इस तरह से समाप्त होती है तो आलोचनात्मक लेख आते हैं, या ये कहा जाता है कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी, संसद तो होती ही चर्चा के लिए है, और बिना चर्चा किए करोड़ों का नुकसान करा दिया। चर्चा हमने क्यों नहीं की, इसका जिक्र मैंने आपको बता दिया, तीनों नियमों के का हवाला देकर बता दिया। जहां तक नुकसान का सवाल है मित्रों, 2G स्पेक्ट्रम में भी ये सवाल उठा था कि हमने करोड़ों का नुकसान करा दिया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि 1658 करोड़ में बेचा गया लाइसेंस आज 14,000 करोड़ की बेस प्राइस पर उसी सरकार ने रखा है जिस सरकार ने जीरो लॉस कहा था। कल जब नीलामी होगी उन 9 लाइसेंसों की, अगर एक रुपया भी ज्यादा ना आए और केवल बेस प्राइस पर वो नीलाम हो तो भी 1,26,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में आएगा। नुकसान हुआ होगा 10-20 करोड़ का, लेकिन अगर 10-20 करोड़ का नुकसान करके हम इतना जन दबाव बना पाए कि 1,26,000 करोड़ रुपया देश के खजाने में आ जाए, तो बिल्कुल वही मामला इस केस में होने वाला है। जब ये आवंटन रद्द होंगे, और रद्द होंगे, करने पड़ेंगे, संसद के दबाव के साथ जब जन दबाव मिलेगा तो करने पड़ेंगे, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से दिखाना शुरू किया है, हर व्यक्ति इनके घर का निकल रहा है। 2 सांसद सीधे निकले कांग्रेस के, 1 मंत्री इनके सहयोगी दल का निकला डीएमके का, 1 पूर्व मंत्री इनके सहयोगी दल का निकला आरजेडी का, और अभी तो चीजें खुलकर आ रही। जिस जिस तरीके से मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है और दिखा रहा है तो लोगों को लग रहा है कि विपक्ष कोई गलत बात नहीं कह रहा था। इतनी बड़ी लूट, और वो भी उन्होंने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रस्टीशिप की। ये राष्ट्रीय संपदा इनकी जागीर नहीं है मित्रों, ये कस्टोडियन है इसके, ये ट्रस्टी हैं। शासक के नाते उस ट्रस्ट को इन्होंने खत्म किया, क्योंकि लूट भी उन्होंने की जो स्वयं वहां बैठे थे, अपने पद का इस्तेमाल करके, अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके। जो नाम आ रहे हैं उनकी आंच सीधे इनके घर तक जा रही है।